हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लास। आज अपन देखते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट वन का चैप्टर नंबर 3। ओके, इसमें तीन एक्सरसाइजेस है। मुझे लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड एक्सरसाइज पोलर कोऑर्डिनेट और साइन रूल कोसाइन रूल, और तीसरा एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा इसको, आधा घंटा 40 मिनट में खत्म हो जाता चैप्टर। ओके, अगर आप पूरे क्वेश्चन करते हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे लग सकता है। ओके, वेरी सिंपल, आप देखते हैं अपन जितना हुआ उतना ट्राई करते हैं। अगर ये वीडियो में अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और एक वीडियो उसका पार्ट 2 आ सकता है, ठीक है ना। चल सबसे पहले देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो वेटेज है बेटा इसका, मेरे ख्याल से इसके 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर मुझे लगता है 6 या 9 मार्क्स के आसपास वेटेज रहेगा इसका। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 12th, इसमें 3 एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में देख लो बेटा क्या है। पहला एक्सरसाइज जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, क्या बेटा फर्स्ट टॉपिक हियर प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, देख लेना। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा, 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में रहता है, जो भी आएगी मतलब इंक्लूडेड, 360 भी इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल का जो कंडीशन है 0 डिग्री से लेके 360 इंक्लूडेड, 360 इंक्लूडेड और 0 भी इंक्लूडेड। ओके, तो इस प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सीधी से बात है बेटा आपके लैंग्वेज में, साइन 1/2 अगर आपको दिया तो उसके नंबर ऑफ वैल्यूज कितने निकलते हैं। 1/2 बोले तो 30 डिग्री पे रहता है और साइन पॉजिटिव 1 मोर जगह कहां पर रहता है वो देखना है। तो सबसे पहले देखो बेटा आपको बताइए, 0 डिग्री और ये 90 है और ये 180 है और ये 270 और ये आएगा बेटा आपको 360। तो पहले क्वाड्रेंट में आपको कंडीशन पता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। और इसमें क्या बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटी वैल्यू और 360 से बड़ी वैल्यू, इसमें क्या आता है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ी वैल्यू और 180 से छोटी वैल्यू, इसमें कौन है बेटा साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सब के सब यहां पर क्या बेटा नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद 180 से बड़ी वैल्यू, उसके बाद 270 से छोटी वैल्यू, बराबर है। ओके, विच क्वाड्रेंट बेटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे देख लो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे 360 से छोटी वैल्यू और 270 से बड़ी वैल्यू, इसमें कौन कौन है बेटा, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सबके सब यहां पे नेगेटिव। इसमें क्या आता है बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब यहां पर क्या है बेटा नेगेटिव। ओके, अब देखो बेटा यहां पे 90 प्लस 90 माइनस 270 माइनस 270 प्लस, ये नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ इनमें क्या होता है बेटा फंक्शन चेंज होते हैं, उसलिए अपन प्रिंसिपल वैल्यू में कभी भी 270 90 और 270 प्लस 270 माइनस 90 प्लस 90 माइनस इनको नहीं लेते। इनको लेने से क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो चेंज होता है, साइन कॉस में जाता है कॉस साइन में जाता है, वो याद रखना। ओके, दूसरी बात, अब यहां पे मेन पॉइंट ऐसा है बेटा कि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, अगर साइन एक्स इक्वल टू, मेरे को बोलेगा बेटा यहां पे 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बता दे। ओके, तो अपनी लैंग्वेज में साइन एक्स इक्वल 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सीधी सी बात है, साइन 1/2 जीरो से लेके 360 तक कौन से एंगल पे आता, इतना ही बताना है, सिंपल सी बात है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू याद हो गए मतलब आपका 100% 2 मार्क का क्वेश्चन निकल जाता है, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है प्रिंसिपल वैल्यू। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने इसको रेडियन में लिखना, ऐसा कोई जबरदस्त नहीं, रेडियन में भी लिख सकते, डिग्री में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो साइन एक्स इक्वल 1/2 बोले तो साइन एक्स इज इक्वल कब आता बेटा, साइन 30 डिग्री पे आता, तो एक्स की वैल्यू क्या आती बेटा आपके पास 30 को अपन पाई बाय 6 बोल के भी लिख सकते हैं अगर आपको रेडियन में लिखना है। और दूसरी बात, साइन पॉजिटिव कहां पर है सर, 2 जगह है ना, कहां पर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं बताता हूं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रूल ब्रेक होता है, 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में, तो ये क्या हो रहा है 360 से बड़ा हो रहा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं सर 90 भी है ना, मैंने बताया था 90 नहीं ले सकती क्योंकि उसमें क्या होता है साइन कॉस में चला जाता, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू किसकी चाहिए, साइन की चाहिए, फंक्शन चेंज हो रहा है तो इसलिए इसको लेना ही नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या ले सकते बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट अपने पास, साइन 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू प्लस साइन एक्स, विच क्वाड्रेंट दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास यहाँ पे 180 माइनस एक्स बोले तो साइन 180 माइनस कितना लिख लेता बेटा 30 इज इक्वल कितना 1/2, तो 180 में से 30 अगर जाता तो 150 पे अपने को कितना आता बेटा 1/2। मतलब सीधी सी बात आपको पता लग रही है कि जो आपकी एक्स की दूसरी वैल्यू है बेटा 150 डिग्री है, मतलब दो वैल्यू आ रहे आपके पास, एक 30 डिग्री पे आ रहा और दूसरा कहां पे आ रहा बेटा 150 पे आ रहा। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू। आराम से देख लेना। ओके सर, अगर समझो इसमें नेगेटिव आया तो हम क्या करें? ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर समझो इन केस आपको अगर नेगेटिव आता है इसमें, नेगेटिव मतलब कैसे बेटा मैं बताता हूं, देख लेना सिंपल सा। अगर नेगेटिव आया है तो सीधी सी बात है, अगर साइन एक्स इक्वल टू आपको बोलेगा -1/2, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, ठीक है? तो साइन 1/2 अगर आपने बोला है तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे आता? साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते बेटा? साइन नेगेटिव दो जगह है, एक है थर्ड क्वाड्रेंट और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इसमें क्या लेना है, 360 लेना है या 270? देखो बेटा 270 और मैंने 270 प्लस का तो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि नहीं लेना जिसमें फंक्शन चेंज होता है। तो अपन क्या ले सकते हैं बेटा, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा दो ले सकते हैं। क्या लेंगे बेटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में? क्या बेटा साइन 180 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता? साइन एक्स। तो 1/2 मतलब कितना बेटा? 30 डिग्री। 180 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना लिख लेता? -1/2। तो आंसर कितना? 210 डिग्री पे आपको कितना आ रहा? -1/2। ठीक है, दूसरी बात और एक जगह बेटा, और एक कहां पर बेटा दूसरी वैल्यू अपने पास? साइन 360 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल क्या लिख लेता? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये साइन 180 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स बेटा, ठीक है ना? तो साइन 360 डिग्री एक्स बोले तो कितना बेटा? 30 डिग्री, और माइनस कितना बेटा हियर? 1/2। तो 330 डिग्री पे भी आपका कितना आता बेटा आंसर? -1/2 ही आता। तो दो जगह आ रहा है, एक आ रहा बेटा आपको 210 डिग्री आ रहा है और दूसरा कितना आ रहा बेटा 330 डिग्री पे 1/2 आ रहा है। मतलब दो प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकल रहे, 210 और कितना बेटा 330 डिग्री आ रहा है। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। ओके एनी कंफ्यूजन? देख लो कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कोई उतना सोचने वाली बात नहीं, सिंपल सा प्रिंसिपल वैल्यू है, ज्यादा कंफ्यूज होने की गरज नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना? मेरे कहते एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन भी कवर अप कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन के बाद फिर प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों के एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले अपन क्या कर लेते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू के बाद जनरल सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने को एक्सरसाइज कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जनरल सॉल्यूशन। सर व्हाट इज मीन बाय जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन मतलब देख लो बेटा कि साइन जीरो रहा तो क्या था, कॉस जीरो रहा तो क्या था, टैन जीरो रहा तो क्या था, यदि फिर जीरो की जगह साइन एक्स इज इक्वल समथिंग 1/2 रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या आ सकता, मतलब उसका फॉर्मेशन क्या बनता। तो एकदम सिंपल है, आपको फॉर्मूले याद रखने, बाकी कुछ नहीं। ओके सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो एक, और अगर समझो सर हमको अब दूसरा बोला कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, और तीसरा जो है अपने पास टैन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो जब बता रहा है तो क्या लिख सकते बेटा इधर? साइन एक्स इक्वल क्या लिख लेता बेटा? जीरो। मतलब फॉर्मूला क्या आ सकता बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स इक्वल टू एन पाई, एन इज बिलोंग्स टू क्या लिख लेता? जेड। और सीधी सी बात है बेटा, जेड का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब आपको पता है -1, 0 प्लस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस जीरो रहा तो क्या आ सकता बेटा? कॉस का पहले सबके फॉर्मूले देख लो, एक्स इक्वल टू 2n+1 इंटू क्या लिख लेता बेटा? π/2, ये कॉस का होगा। ठीक है, और उसके बाद टैन का क्या आ सकता बेटा? और इसमें भी सेम बेटा, एन इज बिलोंग्स टू जेड, साइन और टैन सेम ही रहेगा, एक्स इक्वल एन पाई, एन इज बिलोंग्स टू क्या लिख लेता? जेड। राइट, अगर समझो सर इसमें हमको क्वेश्चन साइन 3x इक्वल टू अगर 0 बोला जाता है तो क्या लिखेंगे? सीधी सी बात है, 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू की लेफ्ट टर्म n पाई बाय 3 काम हो गया। ठीक है, अगर समझो सर हमको cos में बोलेगा cos 4x बाय 3 इज इक्वल टू 0 बोला, 0 है मतलब सीधा फार्मूला वही लिखो, बस जो एंगल रहता सामने वाला उसको डिवाइड कर दे। अब 4x बाय 3 है, क्या लिख लेता बेटा फॉर्मूला?
सामने जो x की जगह क्या आ रहा है, 4x by 3, 2n plus 1 into क्या लिख लेते हैं बेटा, pi by 2. अब इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 4x equal to 3 into 2n plus 1 into pi by 2. अभी डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू क्या आती, 3 into 2n plus 1, तो pi by कितना बेटा, 8, कम हो गया. कोई भी आने दो बेटा, कुछ भी चलता वहां पे, ऐसा नहीं. अगर समझो सर cos की जगह पर tan की जगह अगर आता है, tan x की जगह अगर आपको 2x by 3 बोला, is equal to 0. फॉर्मूला क्या होगा, 2x by 3 is equal to क्या लिख लेता, n pi. तो 2x is equal क्या लिख लेता बेटा, 2x is equal to 3n pi. x की वैल्यू क्या आती बेटा, 3n pi divided by 2. Same, n is belongs to z. हाँ होगा. टाइम पास ही नहीं करना, एकदम सिंपल वे. आपको बस इतना है कि ये फॉर्मूले याद रखते, जब भी जीरो आता है तब फॉर्मूले क्या लगते, अगर वो याद रख ले तो आपका काम हो जाता. दिस इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है. ओके, किसका, इक्वल टू जीरो वाला. अगर समझो सर जीरो की जगह हमको कोई दूसरा अगर आता है, 1/2 या √3/2 कोई वैल्यू आती है, ओके, उसके भी देखो. इसके लिए कोटा साइन कॉस टैन के लेते, अगर टैन छोड़ के कोसेक सेकंड और क्वार्ट में आता तो रेसिप्रोकल करना आपको. ओके, जैसे कि साइन का कोसेक होता है, कोसेक को रेसिप्रोकल किए तो साइन में आता, और सेक को रेसिप्रोकल किए तो कॉस में आता, और कॉट को रेसिप्रोकल किए तो टैन में आता. सीधी सी बात है, क्योंकि वो तीनों के फॉर्मूले नहीं रहेंगे, सीधा साइन कॉस और टैन के रहेंगे. ओके सर, अब बाकी देखते बेटा सर, अगर हमको जीरो में अगर आंसर आता है, जीरो छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू आती है तो क्या लिख सकते. कि मैं बता रहा बेटा आपको, महाराष्ट्र बोर्ड में एमसीक्यू 100% एमसीक्यू 1 नहीं तो 2 प्रिंसिपल वैल्यू पे ही रहेगा, और जनरल सॉल्यूशन सेक्शन बी में या सेक्शन सी में पूछा जाता है. ओके, सेक्शन बी का मतलब दो मार्क के लिए कभी कभी जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता, बट 199% एमसीक्यू प्रिंसिपल वैल्यू ही रहेगी. ओके, वो नहीं बोल सकते कि भाई इनवर्स की भी रह सकती है तो नॉर्मल वाली भी रह सकती है, अब ये वाली प्रिंसिपल भी हो सकती है तो इनवर्स वाली भी हो सकती है, बट जनरल सॉल्यूशन सीधा आता है 3 मार्क के लिए, नहीं तो 2 मार्क के लिए आ सकता है. ठीक है, अब देखो बेटा, अभी तक अपन ने किया था इक्वल टू जीरो वाला. अगर समझो सर इज इक्वल टू समथिंग आया, समथिंग मतलब अल्फा, ठीक है, और साइन एक्स इक्वल जीरो बोले तो क्या लिख लेता बेटा, डायरेक्ट अपन ने लिखा, अगर एक्स इक्वल टू अल्फा वगैरह कुछ आता है, अल्फा मतलब कोई ना कोई वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल की पावर एन इंटू अल्फा. बस आपको याद रखना है फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं. सर ये अल्फा मतलब कैसे, अब देखो बेटा एग्जाम्पल तौर पर, साइन एक्स इक्वल टू अगर 1/2 दिया, 1/2 मतलब कब आता, 30 डिग्री पे, तो साइन एक्स इक्वल क्या लिख लेता, साइन अल्फा मतलब 30, तो एक्स इक्वल क्या लिख लेता बेटा, 30 अगर आ रहा है तो सीधी सी बात है फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस वन इंटू क्या लिख लेता, अल्फा. अल्फा मतलब कितना बेटा यहाँ पे, 30 डिग्री. एकदम सिंपल. ओके, वेरी सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है बेटा फॉर्मूला आपको. अगर समझो सर इसमें हमको नेगेटिव भी अगर देता तो कोई इशू नहीं. आपको पता है बेटा साइन नेगेटिव कहां पर है, साइन एक्स इक्वल टू अगर माइनस वन बुट टू भी देता है तो नेगेटिव कहां पर बेटा, दो जगह नेगेटिव, 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, सॉरी विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस साइन एक्स. ओके, 180 प्लस एक्स मतलब कितना, 1/2 बोले तो कब आता बेटा, 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2, 180 प्लस 30 210 डिग्री पे भी आपको क्या आता बेटा यहां पे, इसमें दो आते बेटा वैल्यू, कोई भी एक लिखे तो चलता. ठीक है, तो कब आ रहा बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 210 डिग्री पे आपको माइनस 1/2. तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, सेम फॉर्मूला, क्या है बेटा फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 होल की पावर एन इंटू अल्फा. अल्फा मतलब कौन है, 30 डिग्री. सिंपल सी बात, कोई टाइम पास करने की गरज नहीं, आराम से कर सकते हो. ठीक है, वेरी सिंपल, और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, डायरेक्टली आपको बस एंगल मालूम होना चाहिए, अगर एंगल पता है तो काम हो जाता है, ज्यादा बर्डन लेने की गरज नहीं. ठीक है, नेक्स्ट. अब चलो बेटा कॉस वाला देखते हैं, ये साइन वाला होगा. सर कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस वाला भी, कॉस और टैन दोनों के साथ बता देता हूं. कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा सेकेंड वाला, या फिर थर्ड वाला इसमें क्या बेटा, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन अल्फा, टैन एक्स इक्वल टू टैन अल्फा. वेरी सिंपल, एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा फॉर्मूला कॉस का, 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा,
इसका क्या क्या बेटा, x इक्वल टू एन पाई प्लस क्या लिख लेता बेटा अल्फा, n इज बिलोंग्स टू आखिरी में क्या बेटा जेड, दोनों को भी n इज बिलोंग्स टू जेड ही लगे, ठीक है सर। अगर cos में हमको यहाँ पे cos x इक्वल टू वन बाई टू दिया, वन बाई टू मतलब कब आता, सीधी सी बात है 60 डिग्री पे आता, तो आपको क्या करना है सीधा सिंपल लिख लेना एंगल कब आता, cos 60 डिग्री और x इक्वल फॉर्मूला कितना 2n पाई प्लस आर माइनस क्या लिख लेता 60, सिंपल काउंट है, ओके। अगर tan में पूछेगा tan x इज इक्वल टू 1 बोला, 1 मतलब कब आएगा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा मतलब कितना 45, तो x इक्वल क्या लिख लूंगा बेटा n पाई प्लस 45 डिग्री, 45 मतलब आप रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आराम से आप कर सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ओके क्लियर बेटा, एनी कंफ्यूजन इसमें। इन केस अगर समझो सर हमको नेगेटिव दिया, tan x इक्वल टू माइनस वन दिया, तो सीधी सी बात पता है बेटा tan नेगेटिव दो जगह, एक के सेकंड क्वाड्रेंट और एक के फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा tan 180 माइनस x इक्वल टू माइनस tan x, 1 मतलब कब आता 45, 180 में से कितना निकाल बेटा 45 निकाल लेता, तो आंसर कितना बेटा 135 इज इक्वल टू कितना माइनस 1, तो माइनस 1 कब आ रहा 135 का, तो अपना फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा tan x इज इक्वल टू tan 135, तो x इक्वल फॉर्मूला क्या है n पाई प्लस क्या लिख लेता 45 डिग्री, n इज बिलोंग्स टू z, एकदम सिंपल है, इसी को बोला जाता बेटा जनरल सॉल्यूशन। सर अगर समझो हमको यहाँ पे कॉस और साइन की जगह कोई दूसरा टर्म आता, दूसरा मतलब कौन सा, सीकेंट कोसेक आता, तो देखो वो भी बता दो वो कैसे होता है, एकदम आराम से, कोई ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, एक इजी वे से इसको कर सकते हैं आप, एकदम सिंपल सिलेबस है बेटा, आप इसको ज्यादा बर्डन मत लो, आराम से समझ लो, जैसे मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा रहा वैसे समझ लेना, आराम से समझ में आएगा, ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, ठीक है ना। चलते बेटा दूसरी बात, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे, सर अगर समझो हमको सीकेंड एक्स इज इक्वल टू रूट टू देख रखा, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन पता, तो सर हमारे पास तो सीकेंड का फॉर्मूला है ही, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस में लाना पड़ेगा, कॉस में कैसे लाएंगे बेटा सीकेंड को, वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता है यहाँ पे रूट टू, रेसिप्रोकल अगर कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा कॉस एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट टू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वही बताया था सेकंड का फॉर्मूला है नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता कॉस में, रूट टू मतलब कब आता 45, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 45, तो फॉर्मूला क्या है एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस 45, काम हो गया, ज्यादा बर्डन लेने की बात ही नहीं, ओके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है ऐसा कि अगर समझो सर जनरल सॉल्यूशन अगर स्क्वायर में आता तो हम क्या करें, ओके वो भी बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज आपको क्लियर मिलेगी यहां पे, कोई ज्यादा बर्डन लेने वाली बात नहीं, और एकदम स्लो वे से बताता हूं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब बात यह आती बेटा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, इन सबके फॉर्मूले सेम, इसमें कोई अलग अलग नहीं, तीनों अलग अलग है यहां पर फंक्शन, बट फॉर्मूला तीनों को सेम, ओके क्या बेटा फॉर्मूला x इज इक्वल टू एन पाई प्लस आर माइनस क्या लिख लेता अल्फा, तीनों का सेम टू सेम फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल देख लो कि मेरे को क्वेश्चन बोला क्या बेटा 4 साइन स्क्वायर x इक्वल क्या बोला 1 बोला, आपका क्वेश्चन कंपलसरी अगर स्क्वायर में आता है तभी आप इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा, नहीं तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना इसको, क्या सिंप्लीफाई करेंगे साइन स्क्वायर x इक्वल क्या लिख लेता 1/4, अगर रूट लगा दूंगा इसका अंडर रूट लगा दूंगा तो साइन एक्स इक्वल कितना अंडर रूट 1/4, 1/4 मतलब कब आता साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा 1/2 बोले तो कब आता बेटा 1/2, सीधी सी बात है अल्फा 30 डिग्री का, तो क्या लिख लेते बेटा फॉर्मूला एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस आर माइनस अल्फा मतलब कितना 30 डिग्री, बट आपको कभी कभी क्या करते बच्चे सॉल्व करके सीधा साइन का फॉर्मूला, बट साइन का नहीं लगाना, क्वेश्चन स्क्वायर में था तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन किस में स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगता है, यदि साइन रहे दो कॉस रहे दो टैन रहे दो चलता कुछ भी तीनों में, बट स्क्वायर रहा मतलब कंपलसरी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, ओके अपन क्या करते पहले इसको सिंप्लीफाई करके साइन में लाते,
साइन में लाने के बाद फिर सोचते यार साइन का फॉर्मूला गलती से लगा देते, गलती हो जाती है थोड़ा सा, कभी कभी मिस्टेक गाइस हमें अपन मिस्टेक करते हो, तो मुझे लगता है वैसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच लेना चाहिए कि यार ये स्क्वायर में क्वेश्चन तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, एकदम सिंपल, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट वाला देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या होता है, कभी कभार चेंज हो सकता है कि कॉस 2x इज इक्वल टू क्या बोलेगा बेटा, कॉस 3x, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, तो मैं कुछ अंदर अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूं, आप देख सकते हो, क्योंकि आप मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, और सिंपल वाले क्वेश्चन है, मैं तो एग्जांपल में दो तीन क्वेश्चन मेरे निकल ही जा रहे हैं, मोस्टली एक्सरसाइज में जितने भी होते ऑलमोस्ट कवर हो रहे। ओके, तो cos 2x इक्वल कितना बेटा, cos 3x, है ना, तो अब इसको जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा, cos 2x इज इक्वल टू क्या लिख लेता, माइनस cos 3x इज इक्वल कितना, जीरो। तो cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos c minus cos d, cos c minus क्या लिख लेता, cos d, क्या था बेटा cos c minus cos d का फॉर्मूला, 2 sin c plus 2, सामने अगर माइनस आप लिखोगे तो उधर प्रॉपर वे में लिख सकते हो, साइन सी माइनस डी बाई टू, क्लियर। अब बात ये आती बेटा साइन सी माइनस साइन डी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे 2x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन 2x माइनस 3x बाई टू इज इक्वल कितना बेटा, जीरो। माइनस टू उधर जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इनटू में तो सेपरेट कर लेंगे बेटा, तो माइनस टू ऐसी रखता, पहले सिंपलीफाई कर लेता, 5x by 2 और साइन कितना बेटा यार, माइनस x by 2 इज इक्वल कितना, जीरो, ठीक है। जब पूरा कॉस में आता देखिए, पूरा किस में आता बेटा, माइनस, फॉर्मूला देख लेना बेटा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब बात यह आती बेटा, यहाँ पे साइन माइनस बोले तो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये अलग अलग कर लेंगे बेटा, 2 साइन माइनस टू माइनस कितना प्लस, 5x by 2 इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद टू इधर जाएगा तो जीरो, ऐसे तो भी लिखने की गरज नहीं, और साइन एक्स इक्वल कितना बेटा, एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोनों अलग अलग निकले, तो फॉर्मूला क्या बेटा, साइन का अपने पास जीरो जब आता तो 5x बाई टू इज इक्वल टू कितना, एन पाई, तो 5x इज इक्वल टू 2n पाई, देन x इक्वल टू बेटा 2n पाई बाई 5, और n इज बिलोंग्स टू z, x बाई टू मतलब देखो बेटा कितना आएगा इसका, साइन x बाई टू इज इक्वल टू n पाई, ओके, और x इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, 2n पाई, n इज बिलोंग्स टू हाउ मच बेटा, हियर कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या, नहीं है ना बेटा, आराम से कर सकते हो, देख लो ध्यान से, ऐसे वाले क्वेश्चन सेक्शन बी में या सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रख लेना, cos 2x और cos 3x आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ऐसे मॉडल में सेम क्वेश्चन है, ओके ना, देख लेना, cos 2x cos 3x = 0, minus 2 sin बोले तो अपन ने क्या किया बेटा, sin cos c + cos d का फार्मूला, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, अगर सामने का माइनस में लिखते हो तो d minus c बोल के लिख सकते हो, ठीक है, बट अपना आंसर क्या है बेटा, 2n pi by 5, n is belongs to z, और x equal to 2n pi, n is belongs to z, z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, माइनस 1 और प्लस और 0 कुछ भी आ सकती है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते बेटा, देख लेना एक सेकंड के लिए देख लो, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं वहां पर, नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देख लेते हो बेटा, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है यहां पर, cos x plus sin x is equals to क्या दिया बेटा, 1 दिख रहा है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको बता, तो ये कभी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 का, ठीक है ना, cos x plus sin x equal to 1, तो एक काम कर लेते, पूरे इक्वेशन को न्यू किससे डिवाइड करेंगे बेटा, रूट टू से क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग रूट टू बोथ साइड, ओके, बोथ साइड क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग रूट टू, तो क्या लिख सकते बेटा, बोथ साइड मतलब कॉस एक्स और साइन एक्स डिवाइड बाय कितना बेटा, रूट टू, और इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 1 बाय रूट टू, सर 1 बाय रूट टू क्यों कर रहे, क्योंकि देखो बेटा कॉस 1 बाय रूट टू 45, रूट टू क्यों कर रहे सर, रूट टू क्योंकि कॉमन एंगल दोनों का सेम है, साइन 45 भी 1 बाय रूट टू, कॉस 45 भी 1 बाय रूट,
और कोई भी टर्म एक आना है यदि कॉस में नहीं तो साइन, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देख लेते बेटा, सेपरेट कर लेते हो। सेपरेट करना मतलब क्या होता, कॉस एक्स अपॉन वन बाई रूट टू और साइन एक्स अपॉन क्या लिख लेते बेटा वन बाई रूट टू और इजी कॉस कितना बेटा वन अपॉन रूट टू। आपको कुछ भी करके एक जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में लाना है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा या फिर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, उस फॉर्म में चाहिए। तो मैं कॉस में ला रहा हूँ, ठीक है। तो 1 by root 2 मतलब कब लिख लेता बेटा, cos 45 लिख सकता हूं। क्या लिख लेता बेटा, cos 45। आपको रेडियन में लिखना है रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखना है डिग्री में लिखो। और sin x equal to 1 by root 2 मतलब sin 45 और is equal to 1 by root 2 मतलब अगर आंसर आप cos में लिखा रहे तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, cos 45। cos a cos b plus sin a sin b, इसका फार्मूला लगता बेटा cos a minus b का। तो क्या लिख लेता बेटा, cos a बोले तो x minus 45 is equal to क्या लिख लेता बेटा, cos 45 डिग्री। तो सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला पता है, cos x equal to cos alpha का फॉर्मूला x equal to n pi plus r minus alpha। तो अपन वही लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ सकता, x minus 45 is equal to 2n pi क्या लिख लेता बेटा, plus r minus alpha, alpha का मतलब 45। तो इसमें दो वैल्यू निकलेंगे, एक प्लस निकलेगा एक माइनस, क्योंकि प्लस आर माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अगर समझो आपने उसको x minus 45 पहले प्लस ले लिया, क्या लिख बेटा, पहले प्लस अगर मैंने ले लिया तो क्या आता बेटा, प्लस लूंगा तो ये जो माइनस 45 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 45 और प्लस 45। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस क्या लिख लेता 90, पहला सेट, ओके। और दूसरा क्या निकलेगा बेटा, x माइनस 45 2n पाई प्लस के जगह क्या लिख लेता माइनस 45, ठीक है। तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 2n pi minus 45 और plus 45 उधर जाने के। तो x की वैल्यू क्या आती बेटा 2n pi और minus 45 plus 45 की वैल्यू क्या आती बेटा 0। तो x equal to 2n pi, n is belongs to कितना, ये होगा दूसरा ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेक्शन बी में पूछा जाता है या सेक्शन सी में पूछता है, तो थोड़ा संभाल के करें, ओके। एनी कंफ्यूजन बड़े इसमें, कोई दिक्कत वाली बात, एकदम सिंपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज इतना ही है, ओके। और फर्स्ट एक्सरसाइज में और एक टॉपिक है जिसमें आपको साइन के जो वैल्यू है वो बतानी है कि भाई साइन एक्स इक्वल टू कहां से कहां तक आ सकता, ओके। साइन का रेंज जैसे कि बता रहा हूं, एक मिनट, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से ये है, जैसे कि उसमें बोला गया बेटा लास्ट मिनट में, सॉल्यूशंस आते हैं या नहीं, साइन एक्स इक्वल टू आपको बोला गया बेटा वन, ओके। तो या माइनस वन, तो साइन एक्स में माइनस वन आता क्या चेक करो बोला, ओके। फिर उसके बाद दूसरा क्या दिया बेटा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस वन बोलेगा, ठीक है। और टैन में तो कुछ भी आ सकता बेटा, तीसरी बात, अगर समझो साइन कॉस में टैन एक्स इक्वल टू अगर आपको टू दे दिया तो टू भी पॉसिबल करेगा बिकॉज ऑफ उसमें इन्फिनिटी है, चल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा बेटा कि आपके जो, मेरे ख्याल से आपके जो सॉल्यूशंस बनते कि नहीं पूछ रहा, वी हाउ सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आपको रूल पता है बेटा ऑलरेडी, साइन एक्स का जो डोमेन और रेंज क्या बेटा, साइन एक्स का माइनस वन से प्लस वन इसका रेंज है, और कॉस एक्स का क्या बेटा माइनस वन से प्लस वन, और टैन एक्स का कितना आएगा बेटा आपको, टैन एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो मतलब इसमें कोई भी वैल्यू चलेगी, इसमें ऑलवेज माइनस वन और प्लस वन बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, इसमें वी डोंट हैव सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन है क्या, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्सेप्ट करता, तो इसमें सॉल्यूशन है, इसमें नहीं है और इसमें है, इसमें कोई भी वैल्यू चलती है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मतलब कोई भी। तो इसमें सॉल्यूशन है, इसमें नहीं है और इसमें है, ठीक है। तो साइन में कंडीशन याद रखना, साइन और कॉस में इसके जो रेंज है बेटा, ये रेंज है माइनस वन से लेके प्लस वन, तो इनके बीच में अगर आता है तो आपको सॉल्यूशन है, तो अदरवाइज वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट, क्या बेटा दूसरा वाला टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक और मैंने हर टॉपिक पे एक एग्जांपल आपको दिया है, तो आप इस एग्जांपल के तौर पर पढ़ लो, आपको कवर अप हो जाए, रटो मत, रटेंगे तो नहीं समझे, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक क्वेश्चन समझ लो, वो क्लियर हो, ओके। आगे चलते बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दो टाइप है इसमें, एक है पोलर कोऑर्डिनेट और दूसरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है, सबसे पहले y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां पे एक एंगल बना लो, इसको p पॉइंट बोल सकता x और y, ये y और x, ओके। ये सेकंड x का स्पॉट टॉपिक है बेटा, मतलब 3.2 का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट बिट का पहला टॉपिक, ठीक है। और ये r समझ लो, ठीक है ना।
तो आपको पता पड़ा यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता, वाई अपॉन आर, और कॉस थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता, एक्स अपॉन आर। अगर इसको पाइथागोरस यूज करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बोलो तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता बेटा, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है। एक होगा कंडीशन आपका अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट देखे है, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि आर और थीटा आपको देखे, और कार्टिजियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता बेटा, एक रूट टू लिया बेटा और दूसरा पाई बाय फोर लिया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी पेपर में आता, दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। अब आप मुझे फाइंड करना क्या है, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट, कार्टिजियन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई मुझे फाइंड करना है। ओके, एकदम सिंपल। तो देखो बेटा वेरी सिंपल क्या होता है बेटा, आपके पास सबसे पहले एक्स और वाई निकालना बोले तो साइन थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू कौन है बेटा, ये आर और थीटा, इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। थीटा की वैल्यू 45 पाई बाय 4, वाई अपॉन आर मतलब कितना, रूट टू, साइन 45 कितना आता, 1 बाय रूट टू। तो वाई अपॉन रूट टू बोले तो रूट टू कटेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेम अगर अपने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन आर। तो cos थीटा कितना बेटा, पाई बाय 4, x नहीं पता, r की वैल्यू आपको पता है रूट टू, cos 45 कितना, 1 बाय रूट टू, x अपॉन क्या लिख लेता, रूट टू कटेगा तो x इज इक्वल टू कितना, 1। मतलब कार्टिजियन कोऑर्डिनेट क्या क्या है बेटा आपके पास, 1, 1 इज द कार्टिजियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इन केस मुझे इस क्वेश्चन में कार्टिजियन कोऑर्डिनेट अगर आपको देखे है और मुझे क्या फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट, अपन वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, अब अगर x और y की वैल्यू मैं अगर ले लिया और मुझे निकालना बेटा r और थीटा, तो यही क्वेश्चन देता हूं मैं, बस थोड़ा सा चेंज करके लूंगा। क्या लेता बेटा, देख लो, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, क्या लेता, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट मतलब 1, 1 ले लेता हूं, और मुझे फाइंड करना है r और थीटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, ये कौन है अपना, x और y, इससे अपन क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। r निकालने के लिए क्या है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता, x स्क्वायर प्लस कौन है बेटा, y स्क्वायर। ठीक है, तो r इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा, हियर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r इज इक्वल कितना, रूट टू आने वाला है, r तो निकल गया। सेम थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, और cos थीटा इज इक्वल फॉर्मूला x अपॉन r। तो कभी भी थीटा दोनों सेम चाहिए, अगर आप tan में भी लिखे तो चलता है, बट मुझे लगता है sin और cos से करो, बोर्ड के मेथड के हिसाब से करो, गलत नहीं होता। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1, r की वैल्यू कितनी है, रूट टू, तो थीटा इज इक्वल कितना, 45। cos थीटा इज इक्वल x की वैल्यू 1, r की वैल्यू रूट टू, तो थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता बेटा, 45। काम हो गया। ओके, दोनों भी क्लियर, तो sin थीटा इज इक्वल टू 45 और cos थीटा इज इक्वल आल्सो 45, तो दोनों एंगल आपको बराबर निकल गए, तो r की वैल्यू रूट टू आ चुकी है और थीटा की वैल्यू कौन आई बेटा, 45 डिग्री आ चुकी है। ओके, एकदम सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरा टॉपिक। इसमें जो दूसरा टॉपिक ये है, अगर समझो सर हमको x और y कभी नेगेटिव में आता है तो हम क्या करें। ओके, एकदम सिंपल है बेटा, ये दो मार्क के लिए सेक्शन बी में कंपलसरी पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से करना, वो भी एग्जांपल का क्वेश्चन ही है, एग्जांपल का क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, वही क्वेश्चन रिपीट होता है, उसलिए मैंने वही बताया। ठीक है, अगर समझो सर हमको नेगेटिव में पूछा तो क्या करें, देखो बेटा नेगेटिव में अगर पूछता तो एकदम सिंपल, देखो अगर समझो मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नेगेटिव में पूछा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो, 1 और -√3 बोलो, और मुझे क्या करना है, r और थीटा निकालना, क्या निकालना बेटा, r और थीटा। ठीक है, अब अपने पास कौन है बेटा, x और y दिख रखा है, तो x इज इक्वल r इज इक्वल थीटा बेटा अपने पास, x स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता, y स्क्वायर, तो कौन सा, अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या, 1 स्क्वायर, रूट 3 बोले तो कितना, 3 माइनस भी कटेगा, तो r की वैल्यू अंडर रूट 4, तो r इज इक्वल कितना आएगा, 2। अब निकालना थीटा, सर अगर समझो थीटा हमारा कैसे आ सकता है, तो थीटा आपको रूल पता है, सेम आना चाहिए एंगल। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, sin थीटा इज इक्वल क्या बेटा आपके पास, y अपॉन r, और cos थीटा इज इक्वल क्या बेटा अपने पास, पहले इसको लिख लो, sin थीटा बोले तो कितना बेटा, y अपॉन r बोले तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -√3, और x r की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास, 2। ओके, तो -√3 डायरेक्ट आप लिख सकते क्या, 60, नहीं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव है। अगर समझो सर अगर cos थीटा अगर मैंने लिख लिया, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, x upon r, तो cos थीटा इज इक्वल x की वैल्यू 1 है, 1 by 2, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 60, बट सर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको ऐसा पॉसिबल करेगा क्या, और दोनों थीटा सेम चाहिए, इसको तो मैं 60 नहीं लिख सकता बिकॉज ऑफ माइनस है, तो आपको ये ढूंढना है
साइन नेगेटिव चाहिए और कॉस पॉजिटिव चाहिए, वैसा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो अपन से तो फोर्थ क्वाड्रेंट ले सकते हैं। तो क्या लिख लेता फोर्थ क्वाड्रेंट? साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो कितना आता बेटा? 360 बोले तो रूट 3 बाई 2 कब आता? 60 पे। तो सीधी सी बात है, दोनों एंगल आपको सेम आने चाहिए। तो कितना आएगा बेटा? 360 में 60 गए तो 300 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। और यहाँ पे भी सेम आ सकता है, क्योंकि देख लो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सेम कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है। तो 1 बाई 2 कब आता बेटा? 60 डिग्री। तो जब आपको नेगेटिव में आता तो ऐसा करना बहुत जरूरी है, तभी आपका एंगल दोनों के सेम आते। तो 300 आ गया बेटा, आर की वैल्यू 2 आ चुकी है और थीटा कितना है बेटा आपके पास? 300 डिग्री। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, नहीं तो फिर छोड़ दो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, पाई बाय 180 कर दो, मल्टीप्लाई आंसर कवर हो जाता है, ठीक है। और कभी भी याद रखना बेटा, इसका एंगल ऑलवेज सेम चाहिए, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% दो मार्क के लिए पूछा जाता है। ये एक्सरसाइज 3.2 का बिट नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने कवर अप किया, ठीक है। अब उसके बाद आएगा आपको साइन रूल, कोसाइन रूल और सेकंड जो भी रूल्स है अपने पास, कॉस और साइन दो रूल है, प्रोजेक्शन ऑफ रूल है, ऑफ एंगल फॉर्मूला है, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाती है, ठीक है। आराम से देख लेना बेटा, एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते बेटा, साइन रूल और कोसाइन रूल, ओके। आराम से देख लो, ज्यादा घाई मत करो, समझदारी से, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैथ्स देखो यार, इतना इजी है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बस आप थोड़ा सा प्रॉपर, जैसे आप, मैं यहाँ पे खुद के क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि आप बुक के क्वेश्चन कर जाओगे ना, सेम ही क्वेश्चन आते एग्जाम में, बट आपके दिमाग में ना बोर हो जाते हो, सेम करना, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी ले लो, जो आपने को लगता है कि अगर इसका आंसर क्वेश्चन ऐसा आता तो कैसे करे, तो खुद के क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा सा ईजी हो जाए, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ऑलरेडी करते हो, तो मुझे लगता है कि अगर जब आप खुद करते हो तो अगर खुद कॉन्सेप्ट समझता है तो आप कंपलसरी खुद का क्वेश्चन ले लो, कि अगर मैंने माइनस वन बाई टू के जगह अगर माइनस वन बाई रूट टू लिया तो क्या होता, ऐसा तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग चलता है और प्रॉब्लम ये आती कि परफेक्ट हो जाता, मेथड एकदम परफेक्ट होगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिमाग में बैठेगा अगर खुद का क्वेश्चन लेते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते बेटा, साइन रूल और कोसाइन रूल, एनी कंफ्यूजन यार? देख लो बेटा, कुछ कंफ्यूज हो रहा है,